जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से कक्षा 4 पाठ 6। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 15 तक पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 16, 17 और 18 को समझेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, औरों के हित संचित करते इससे क्या आशय है। औरों के हित संचित करते इसका क्या आशय, इसका क्या मतलब है? तो इसका आशय यह है कि जलाशय जो जल संचित करते हैं वे उसका उपयोग खुद नहीं करते हैं, वे तो दूसरों के लिए जल एकत्रित करते हैं और सदा दूसरों की भलाई करते हैं। तो इसका आशय क्या है कि जो जलाशय होते हैं वो अपना जल संचित करते हैं। संचित करना यानी इकट्ठा करना, वो इकट्ठा करते हैं अपने जल को और वे उसका उपयोग खुद नहीं करते हैं। जो जलाशय अपने जल को संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसका उपयोग वे खुद नहीं करते हैं, वे तो दूसरों के लिए जल एकत्रित करते हैं। एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना, और संचित करना भी इकट्ठा करना होता है, संचय करना। तो जो जलाशय हैं वो अपना जल संचित करते हैं, वे उसका उपयोग खुद नहीं करते हैं, वे तो दूसरों की भलाई के लिए जल एकत्रित करते हैं और सदा दूसरों की भलाई करते हैं। तो जो जलाशय होते हैं ये अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते, वो हमारे लिए इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग भी वो खुद नहीं करते हैं। जल का उपयोग कौन करता है? जल का उपयोग हम लोग करते हैं। तो जलाशय हमारे लिए वो जल इकट्ठा करते हैं, खुद के लिए नहीं करते हैं। और जब वो हमारे लिए इकट्ठा करते हैं तो वो जल हम पीते हैं, हम खेती बाड़ी में काम लेते हैं, हमारे पशु पक्षी उस जल को पीते हैं, तो वो जलाशय सदा ही हमारी भलाई ही करते हैं। प्रश्न संख्या 17, जलाशयों से सबके जीवन में खुशहाली कैसे आती है। जो जलाशय है जैसे कि नदी है, तालाब है, झील है, पोखर है, इनसे सबके जीवन में खुशहाली कैसे आती है। खुशहाली मतलब समृद्धि कैसे आती है, सब कैसे खुश रहते हैं। तो इसका उत्तर है, जलाशय चाहे वो झील हो, कुआं हो, तालाब हो या कुंड, सभी में यदि पानी उपलब्ध रहेगा तो खेतों में फसल उगाई जा सकेगी और इससे सबके जीवन में खुशहाली आएगी। अब जलाशय होते हैं ना, तो जलाशय मतलब चाहे वो झील हो, चाहे कुआं हो, चाहे तालाब हो या कुंड हो, कोई भी जलाशय हो, अगर सभी में पानी उपलब्ध रहेगा, सब में पानी रहेगा, तो इससे क्या होगा, हम खेतों में आसानी से फसल को उगा सकते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो क्या आप अपनी फसल उगा सकते हो बिना पानी से? नहीं, पानी के बिना फसल नहीं उगा सकते। क्या पशु पक्षी भी जीवित रह सकते हैं पानी के बिना? नहीं रह सकते। क्या हम लोग पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये भरे रहेंगे, जलाशय कुएं कुंड सब में पानी उपलब्ध रहेगा तो खेतों में फसल उगाई जा सकेगी और इससे सबके जीवन में क्या आएगी, खुशहाली, सबके जीवन में खुशहाली आएगी। प्रश्न संख्या 18 है, हमें जलाशय लगते प्यारे कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। इस कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, कवि क्या कहना चाहता है, इस कविता के माध्यम से कवि आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या बात का संदेश दे रहा है, इससे आपको क्या सीखने को मिला। तो इसका उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि जल से जीवन की रक्षा होती है। जल से क्या होती है, हमारे जीवन की रक्षा, जल से हमारे जीवन की सुरक्षा होती है और इसलिए जल का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण करना मतलब जल को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, तो हमें जल को बचाना चाहिए। संरक्षण करना मतलब जल की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें उसे बचाना चाहिए। पोखर, तालाब, झील, कुआं या कुंड आदि सभी जलाशयों की सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पोखर का मतलब मैंने आपको बताया था छोटा तालाब। तो चाहे पोखर है, चाहे तालाब है या झील है, कुआं है या कुंड है, कुछ भी हो, हमें जलाशयों की सफाई और सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर इनकी साफ सफाई भी करवाते रहें
और इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि और कोई व्यक्ति इसमें गंदगी ना फैलाए, तो उसका ध्यान भी हमें ही रखना चाहिए। जलाशयों का जल सभी के काम आता है। देखो, जलाशयों में जो पानी इकट्ठा होता है, जो जल इकट्ठा होता है, वो सभी के काम आता है, चाहे हम प्राणियों के काम आता है, हम मनुष्यों के काम आता है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी के काम आता है। और कई जीव जल के जीव होते हैं, जो जल में ही रहते हैं, उनका जीवन भी जल में होता है, उनके काम आता है। पशु पक्षियों के काम, खेती बाड़ी के काम आता है, पेड़ पौधों में सबको चाहिए। तो जलाशय का जल सभी के काम आता है। जलाशय लबालब भरे रहने पर अकाल नहीं पड़ता है। लबालब यानी पूरे भरे होने, जलाशय पूरे भरे होने चाहिए। तो जलाशय जब लबालब भरे रहते हैं तो फिर अकाल नहीं पड़ता है। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, हम सबको मिलकर जलाशयों की रक्षा करनी चाहिए, इसको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, और हमें कोई भी गंदगी जलाशयों में नहीं फैलानी चाहिए।